वेलकम टू माई चैनल अमीन थेटिक। आज हम यूनिट नंबर 24 रेशो एंड प्रोपोर्शन ये स्टार्ट करेंगे। तो रेशो रेशो एंड प्रोपोर्शन इस यूनिट में हम रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन रेशो और प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ने से पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज़ रेशो, कि रेशो क्या होता है। तो रेशो जो है इज़ द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड। रेशो असल में क्या होता है कि रेशो is the comparison of two quantity comparison है two quantity of same kind सेम काइंड विद सेम यूनिट विद सेम यूनिट। यानी रेशो का में हम मुकाबला करते हैं दो एक जैसी चीज़ों का जिनके यूनिट भी जो हैं वो सेम होते हैं। इसी तरह से हम अगर रेशो ले रहे हैं द रेशो ऑफ ए एंड बी द रेशो ऑफ ए एंड बी अगर आपने ए और बी का रेशो लिया है तो उसको लिखेंगे आप किस तरह से कि ए रेशो बी आर या आप लिख सकते हैं ए पावर बी ए अपॉन बी। ए इसके अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं ए ए इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंटीसीडेंट ए को जो है एंटीसीडेंट कहा जाता है और बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। तो रेशो के अंदर जो पहला हमारे पास होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो रेशो इज द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड विद सेम यूनिट। ठीक है, यूनिट भी सेम होना चाहिए और सेम काइंड भी होनी चाहिए। इस रेशो को जो आप लिखेंगे ए रेशो बी करके या ए इज टू बी कहते हैं आर ए अपॉन बी। ए जो होगा इसमें पहली जो वैल्यू होगी वो आपके पास एंटीसीडेंट कहलाती है और जो दूसरी वैल्यू है वो कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। इसी तरह से हमारे पास होता है प्रोपोर्शन 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 क्या होता है हमारे पास कि इक्वलिटी ऑफ टू रेशो। अगर दो रेशो जो है आपस में बराबर हो आप क्या कहेंगे इक्वलिटी इक्वलिटी ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू रेशो टू रेशो। अगर दो रेशो आपस में बराबर हों इस कॉल्ड प्रोपोर्शन। तो उसको हम नाम देते हैं प्रोपोर्शन। यानी कि प्रोपोर्शन जो है वो इक्वलिटी ऑफ टू रेशो होती है। अगर दो रेशो आपके पास हैं ए रेशो बी
सी रेशो डी, ये आपके पास दो रेशो हैं। ये दो रेशो जो आपके पास हैं ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो आप इसको क्या करके लिखेंगे कि ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। इसका मतलब ये आ गया कि ए रेशो बी प्रोपोर्शन है सी रेशो डी के। अब इसके अंदर जो हमारे पास ए एंड डी, ये जो वैल्यू है ए एंड डी, ये दो वैल्यू ए एंड डी, इसको हम कहते हैं एक्सट्रीम। ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? एक्सट्रीम्स। और इसी तरह से बी और सी जो है उसको हम नाम देते हैं मीन्स। बी एंड सी जो है ये कहलाता है मीन्स। दो वैल्यू होती हैं, एक हमारे पास एक्सट्रीम और एक हमारे पास क्या होता है मीन्स। तो आज जो हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन के मतलब कंप्लीट कर लिया कि रेशो क्या होता है और प्रोपोर्शन क्या होता है। अगर जो है रेशो इक्वलिटी में जाहिर कर दें तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे और सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।